हेलो फ्रेंड, आज मैं आप सभी के साथ ब्लाउज कलेक्शन वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो आप सबको मैं बता दूं कि जो साड़ी मैं आप सबको दिखाई थी उसी का ये ब्लाउज है। तो ये देखिए, जो मैं बाहुबली साड़ी दिखाई थी उसी का ये ब्लाउज है। डिजाइन आप सब देख सकते हैं, पीछे का जो वर्क है बहुत ही अच्छा है। और ये मैं ब्लाउज सिलवाई थी और ये मैं लेस खुद से लगाई हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका कलर मैरून, मेरे पास मैरून साड़ी बस एक ही पीस है। और इसका ब्लाउज और ये जो इसका झूमर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप सब बताइएगा कि हमारे ब्लाउज कलेक्शन में आप सबको कौन सी ब्लाउज पसंद आई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पीला कलर का ये ब्लाउज है जो मैं रेडीमेड खरीदी हूँ। और ये भी 3/4 का है और ये सिंपल है, ये पूजा पाठ में मैं यूज करती हूँ। और इसका कलर मुझे बहुत पसंद है, कोई भी पीला साड़ी पे ये यूज कर सकते हैं। तो ऐसा ही मैं सोच कर ही ली थी और मुझे ये बहुत पसंद आता है, इसका कलर भी और ये जो 3/4 में है पहनने के बाद भी अच्छा लगता है। तो ये था मेरा दूसरा ब्लाउज और मैं आप सबको तीसरा ब्लाउज दिखाती हूँ। तो ये है देखिए स्काई कलर का, तो ये सिंपल है, ये हमारी बहन ने सिलाई की थी और ये 3-4 साल पुराना साड़ी है। तो ये भी मुझे लाइट वेट है इसका और बहुत ही सिंपल है, अच्छा भी लगता है। और ये देखिए, ये जो मैं आप सबको दिखाई थी गोल्डन और पिंक में, उसी का ये ब्लाउज है। तो इसका शॉर्ट बाजू है और ये इसका देखिए बॉर्डर मुझे बहुत पसंद आता है। और इसको मैं यूज की हूँ तीज में, एक बार यूज की हूँ और बाकी मुझे ये इसका जो सिलाई है बहुत अच्छा लगता है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। और ये देखिए ग्रीन कलर का जो मैं आप सबको दिखाई थी कि इस छठ पूजा में जो मैं खरीदी थी साड़ी, उसी का ये ब्लाउज है। ये है 3/4 जो आजकल ट्रेंडिंग चल रहे हैं चुन वाले, तो चुन वाले में सिलवाई थी। और देखिए इसका भी जो बॉर्डर है बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद आया ये भी साड़ी। और इसका ब्लाउज मत कहिए। और ये देखिए ऑनलाइन मैं परचेस की थी और इसका प्राइस 800 पड़ा था और मैं इसके एक बार भी यूज नहीं की हूँ, बस इसे रखा ही पड़ा है और मैं कभी भी एक बार भी यूज ना की। इसका बहुत ये है भी है और इसको मैं यूज करूँगी, सोच रही हूँ कि इसको मैं यूज करूँगी, बाकी ऐसे ही रखा पड़ा है। सामान रखा पड़ा रहता है तो पता ही नहीं चलता है, जब निकालो तो बहुत सारे ब्लाउज मिल जाते हैं, कपड़े मिल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जो नया आया बस एक बार खरीदे, खरीद के बस रखा जाता है तो रखा ही जाता है। और ये देखिए फ्रेंड, गाजरी कलर का साड़ी है और ये 5 साल पुराना साड़ी है। तो इसको मैं सिलाई थी नेट वाले कपड़े लेकर और मैं सिलवाई थी इसे। और ये भी 3/4 का है, मुझे 3/4 का ब्लाउज सच बोलिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा हाथ ढका रहे। और पसंद पसंद की बात है तो मुझे ज़्यादा 3/4 के ब्लाउज ही अच्छे लगते हैं। इसमें भी जो झूला लटकन लगा हुआ है ये भी सिंपल है और ये भी ब्लाउज का कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, वाइट ग्रीन रेड, और ये 3 साल पुरानी साड़ी है। तो ये बनारसी साड़ी है, बनारसी या बंगाली आप बोल सकते हैं, सिल्क साड़ी है। तो इसका भी 3/4 का है और इसे लेस में खरीद कर लगाई थी और खुद से लगाई थी। ब्लाउज जब सिलाई थी तो ये सिंपल तरीके से सिल कर दे दिया था मुझे, तो मैं खुद से ये लगाई थी। और उसके बाद नेक्स्ट ब्लाउज आता है तो ये देखिए, ये है रेडीमेड ब्लाउज और इसे मैं पूजा पाठ में यूज करती हूँ। रेड कलर का है, कोई से साड़ी पर चल जाता है, ये भी 3/4 के ब्लाउज है। तो फ्रेंड आप सबको बता दूंगी, आप सब भी सोच रहे होंगे कि मतलब केवल 3/4 का ही मतलब ब्लाउज है। तो हाँ फ्रेंड, मैं 3/4 का ब्लाउज ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसलिए मेरे पास 3/4 का ही ज़्यादा ब्लाउज रहता है। और मुझे सिंपल रहना पसंद है और सिंपल ही मैं ब्लाउज भी सिलवाती हूँ, कोई डिजाइन कोई वर्क ये सब नहीं। और इस ये ब्लाउज भी मैं रेडीमेड खरीदी हूँ, तो ये पूरा ब्लू कलर का है, नेवी ब्लू। इस पर पीछे का डिज़ाइन थोड़ा कुछ अलग है और बाजू का भी जो डिज़ाइन है वो देखिए बटन लगाया हुआ है। तो ये भी मैं पूजा पाठ में यूज करती हूँ। और ऐसे तो फ्रेंड मैं घर में सूट ही पहन कर ज़्यादातर रहती हूँ, तो साड़ी जब मैं निकालती हूँ तो देख लेती हूँ, जो मुझे पसंद आता है मैं यूज कर लेती हूँ। तो मैं सोची कि चलो आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ कि हमारे पास ब्लाउज कैसे डिजाइन के पड़े हुए हैं और मैं कैसे सिलवाई हूँ। तो साड़ी तो आप सबको दिखाई ही थी और मैं सोची कि चलो आज मैं ब्लाउज भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ब्लाउज फ्रेंड्स, और ये जो सबसे लास्ट में आप सबको साड़ी दिखाई थी और ये बस एक बार ही पहनी हूँ। और इसका जो नया ट्रेंडिंग चल रहा था चुन वाले डिजाइन,
तो वही चुन वाले डिजाइन देती हूँ। और ये साड़ी और ब्लाउज़ दोनों परफेक्ट है, मुझे बहुत पसंद आता है। लास्ट में आप सबको दिखा दूँ तो ये ब्लाउज है और ये भी 2 साल पुरानी साड़ी का है, तो ये शॉर्ट बाजू का है। और इसका देखिए टेलर ने उल्टा ही सिल दिया था, मैं सामने को बोली थी तो वो पीछे करके सिल दिया है, बट अच्छा लगता है पहनने में और देखिए बहुत सुंदर लगता है। तो बस यही था फ्रेंड हमारे पास, ये जो भी हमारे पास ब्लाउज पड़े थे आप सबको मैं दिखाई, लास्ट आप सबको दिखा देती हूँ। तो इसका देखिए झूलन बहुत ही अच्छा मुझे लगता है। और ये सबसे लास्ट मेरा फेवरेट ब्लाउज है जो मुझे काफ़ी पसंद है। तो ये 5 साल पुरानी साड़ी हो चुके हैं और इसका जो ब्लाउज पर जो प्रिंट है स्टोन वाले मुझे बहुत पसंद आते हैं। और ये लगभग 2 से 3 बार पहनी होंगी, एकदम सिंपल साड़ी है, कोई लेस वगैरह कोई है भी नहीं, बस मुझे बहुत पसंद आता है और मैं आप सबके साथ शेयर की। तो आप सब कमेंट में बताइएगा आप सबको कौन से ब्लाउज पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, आप सबसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कम से कम 3 मिनट तो वॉच करें और वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो यही हमारे पास जो भी 10-15 ब्लाउज पड़े थे आप सबको मैं दिखाई। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।